मैं आह्वान करता हूं डॉक्टर जी संजीव रेड्डी जी, जो हमारे INTUC के अध्यक्ष हैं और पूरे भारत के मेहनत कष्ट के नेता, वो वक्तव्य रखे। श्रमिक आंदोलन जिंदाबाद, श्रमिक आंदोलन जिंदाबाद, डॉक्टर रेड्डी जिंदाबाद। ट्रेड यूनियन के प्रेसिडियम लीडर्स और हमारे सेंट्रल INTUC सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशंस के नेतागण, और हम सब लोग एक होकर ये मजदूर तहरीक को आगे ले जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हम लोग साथियों, कल से आप देख रहे हैं हम सब मिलके एक आवाज़ से मजदूरों के मांग के लिए एक नया ढंग से जद्दोजहद हम कर रहे हैं। इस देश के अंदर मजदूर तहरीक को आगे ले जाना है, और दूसरी तरफ से केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट जो है मजदूर तहरीक को कमज़ोर बनाना चाहती है, कुचलना चाहती है, तोड़ना चाहती है और मजदूरों के आवाज़ के गले को दबाना भी चाहती है, जिसके विरुद्ध में हम ये बताना चाहते हैं सरकार को, ये नया कोई सरकार नहीं है, इससे पहले भी कई सरकार इस देश में आए और चले भी गए। ये BJP सरकार और मोदी सरकार को ये समझना चाहिए, वो आज सरकार में है, कल नहीं रहेंगे तो ये मजदूरी जो है उनको दुआ देते रहेंगे। अच्छा काम करे तो याद करेंगे, बुरा काम में तो फिर बुरी तरह से याद करते रहेंगे। आप सब जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब नए नए बड़े बड़े कंपनी पब्लिक सेक्टर के अंदर लगाया, उस वक्त उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के नए मंदिर बन रहे हैं, और आज मोदी जो है उस मंदिरों को गिरा देना चाहता है, वहां पर खुद का खबर बनाना चाहता है। हम ये कहते हैं मंदिर को कब्रिस्तान मत बनाओ, मंदिर को मंदिर ही रहने दो। हजारों वर्कर्स उसमें काम करते हैं और हजारों वर्कर की जिंदगी और उसके साथ गुजर रही है, और देश का बहुत बड़ा भला होता है, और देश का आमदनी में बहुत ज़्यादा अगर मदद करती है तो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री ज़्यादा इनकम टैक्स के जरिए से, एक्साइज ड्यूटी के जरिए से, एम्प्लॉयमेंट के जरिए से, हर तरह से पब्लिक सेक्टर मदद करती है। उसको जिंदा रहने दो, जीवित रहने दो, ये बात हम बार बार कह रहे हैं। मगर वो ये कहते हैं कि पब्लिक सेक्टर को फांसी लगा दूंगा, पब्लिक सेक्टर को फांसी लगा दूंगा, मजदूरों को पब्लिक सेक्टर से प्राइवेटाइजेशन के हाथ में दूंगा। जिस तरह के कसाई बकरे को काटने के लिए कसाई के हाथ में देता है, उसी तरह पब्लिक सेक्टर वर्कर को खत्म करने के लिए प्राइवेट मालिकों के हाथ में उनका जिंदगी देना चाहते हैं, जिसके विरुद्ध में हम सब मिलकर लड़ रहे हैं। साथियों, आप सब जानते ही हैं देश के अंदर किस तरह दाम बढ़ रहे हर चीज़ का। आज कोई भी वेजिटेबल लेने चाहिए, तरकारी लेने चाहिए, 80 रुपया, 70 रुपया, 100 रुपये से कम नहीं है। मगर मोदी सरकार ने इस दफा ये क्वार्टर में दाम सस्ते हो गए, इसलिए अब डीएनए सलोन्स कम कर दिया है। मोदी के लिए दाम कम हो रहे हैं, मार्केट में मजदूरों के लिए, प्रजा के लिए दाम बढ़ रहे हैं। मोदी जो है अपने डीएनए सलोन्स कम करना चाहता है, क्योंकि
चीजों का दाम गिर गया ये बोलता है, मगर मोदी साहब कहाँ बैठ के देखो देख रहे हैं ये चीज गिर रहा है, दाम गिर रहा है, कहाँ देख के बोल रहे हैं ये हमें पता नहीं है। मगर उनका आर्गुमेंट ये है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो घट रही है, इसलिए इस दफा ये क्वार्टर में हमारा डीए जो है कम हो गया है। इरेशनल है ये तरीके के कहने, जो पद्धति है उसके विरुद्ध में है। हम इसके खिलाफ में आवाज उठाना चाहते हैं। साथियों, इसी तरह लेबर के कानून वो जो है बदलना चाहते हैं, कोई भी यूनियन को रजिस्ट्रेशन आइंदा करना नहीं देना चाहते हैं। ये कंपनी में अगर 1000 आदमी काम कर रहे हैं तो 500 आदमी जब तक दस्तखत नहीं करेंगे तब तक वो रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, ऐसा बोलते हैं। और दूसरा ये बोलते हैं कि बाढ़ वाले जो है ट्रेड यूनियन में नहीं रहना चाहिए लीडर के अंदर, ये बात वो कहते हैं। मगर बाढ़ वाला यूनियन में नहीं रह सकता, मगर चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है। ये क्या जुल्म है, हमको समझ में आया नहीं है। एक गरीब आदमी को ऊपर आने का मौका है तो हर एक गरीब आदमी को आगे बढ़ के ट्रेड मूवमेंट को भी चलाने के तरीका और ताकत और हक मिलना चाहिए। मगर मोदी साहब ट्रेड यूनियन को मालिकों के साथ मिलकर, सरमायेदारों के साथ मिलकर, बड़े बड़े कारखाने उनके हवाला कर देना चाहते हैं, उनका सुपुर्द देने कर देना चाहते हैं, और साथ साथ जो है मजदूरों का गला भी घोटना चाहते हैं। साथियों, हम ये आंदोलन 4 रुपया बढ़ाने के लिए नहीं कर रहे हैं या 10 रुपया बोनस में बढ़ाने के लिए नहीं कर रहे हैं। ये तो हम खुद भी, हमारे वर्कर इतने ताकत रखते हैं कि अपने कंपनी के अंदर ही हम लोग एजिटेशन करके हमारा मांग हम ले सकते हैं। मगर देश के अंदर जो मजदूर नीति बदल रही है, देश के अंदर जिस तरह के परिश्रम का नीति बदल रहे हैं, और देश के अंदर जिस तरह सरमायेदार उन सब मिलकर मोदी सरकार मजदूरों का, गरीबों का, किसानों का नुकसान कर रहे हैं, इसके खिलाफ में हम आवाज उठाना चाहते हैं। मजदूर का जिंदगी में कुछ आगे बढ़े, जीते वक्त ही हम काम करते वक्त ही हमारा पगार सही नहीं मिलता है। हम चाहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद भी हमारे वर्कर को पेंशन मिलते रहे, इतना पेंशन मिले ताकि वो 2 टाइम का खाना खाके रिटायर एम्प्लॉय कैसे से जिंदा रहे, इस तरह की परिस्थिति हम पैदा करना चाहते हैं। साथियों, हम नहीं लड़ेंगे, अपने आप को सरमायेदार उनके हाथ में देंगे। काली ट्रेड यूनियन मूवमेंट ही नहीं मरेगा, बल्कि मजदूर तहरीक ही खत्म हो जाएगा, मजदूरों का जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हम नहीं चाहते कसाई के हाथ में बकरी दे दे, हम नहीं चाहते कि पब्लिक सेक्टर प्राइवेट के हाथ में दे, ये हम नहीं चाहते हैं। हम मिनिमम वेज चाहते हैं, मिनिमम वेज दीजिए। अरे भाई, जो 7 पे कमीशन ने कहा, जो भी कहा, हमारे हिसाब से 23,000-24,000 का, तुम्हारे हिसाब से 18,000-19,000 का, जो भी कहा इंप्लीमेंट कीजिए मिनिमम वेज के नाम पर। नहीं करना चाहते हैं, मिनिमम वेज देना नहीं चाहते, डीएनएसएल महंगाई के साथ जोड़ना नहीं चाहते, और पब्लिक सेक्टर को प्राइवेटाइजेशन करना चाहते, मजदूरों का जो हुकूक है कानून के मुताबिक लेबर लॉस के अंदर वो सब बातों को आप कुचलना चाहते हैं, और मालिकों के हाथों को मजबूत करना चाहते हैं। इन बातों के खिलाफ में नहीं लड़े तो और क्या करें। हमने सभी लोगों की सहायता से, मदद से, ताउन से, कोऑपरेशन से हिंदुस्तान में बड़ी मुसीबत से मजदूर तहरीक में एकता हम लेकर आए हैं। हम गर्व से कहते हैं, दुनिया में हुआ नहीं हुआ मुझे नहीं मालूम है, मगर हिंदुस्तान के अंदर हमने करके बताया है कि कम से कम 12 सेंट्रल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक झंडे के नीचे एक आवाज के साथ एक कदम मिला के हम आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारा जीत है, मजदूरों का जीत है। इसमें सरमायेदारों का जुल्म और सेंट्रल गवर्नमेंट का जुल्म दोनों भी
हम नाश करना चाहते हैं हमारी ताकत के जरिए से। ये ताकत को जिंदा रखना बहुत जरूरी है, ताकत को जीवित रखना बहुत जरूरी है। मैं आपसे अपील करता हूं, यह जंग तो चलेगा, यह आज 3 दिन के लिए हमने ये पड़ाव रखा यहां पर, इसके बाद दूसरा कदम हम उठाएंगे। 3 दिन के बाद क्या करोगे ये पूछेंगे, नेक्स्ट कदम जो है इससे ताकतवर होगा और मजबूत कदम उठाएंगे ताकि हम लोग जो है मोदी सरकार को समझा सके 3 दिन से खत्म नहीं हो रहा, इसके बाद और आगे चलिए। तुम जब तक पुकारते रहोगे, मजदूरों के विरुद्ध में काम करते रहोगे, तब तक हमारे कदम आगे बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा। एक दिन देखेंगे तुम न रहेंगे, हम मजदूर रह जाएंगे इस देश के अंदर, ये बात हम करके दिखाएंगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, बड़ी मुसीबत के साथ ये एकता हमने जमाई है, हम सब लोगों ने मिलकर इसको जिंदा रखिए, जीवित रखिए, इसको ताकतवर कीजिए। आने वाले जमाने में और जुल्म जाति बढ़ेगी, इसका मुकाबला करने के लिए हमारे में ताकत होना चाहिए, शक्ति होना चाहिए, एकता होना चाहिए, एकता और मजबूत होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। साथियों, मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने इतने दूर दूर से, हर स्टेट से, हर प्रांत से लोग निकालने खर्चा कर अपने खर्चे पे यहाँ तक आए हैं, दिल्ली तक आए हैं हम ये सुनाने के लिए। मोदी अगर आप उनके बहरे नहीं होंगे, सुन सकते तो सुने, लाखों मजदूरों का आवाज़ और सुने कि हर प्रांत से, हर स्टेट से लोग चलते हुए यहाँ तक आए तुमको सुनाने के लिए, मोदी को ये बोलने के लिए तुम मजदूरों के खिलाफ आवाज बंद करो, तुम्हारे कदम मजदूरों के खिलाफ बंद करो, रोको नहीं तो वरना हमको और 2 कदम आगे बढ़ना पड़ेगा और ऐसा कोई सीरियस एक्शन करना पड़ेगा जिससे इस देश का जो चलते हुआ पहिया है वो भी रुक जाए, ऐसी परिस्थिति पैदा मत करो, यही हम सेंट्रल गवर्नमेंट से कहना चाहते हैं। साथियों, आखिर में मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ जो हमारे सब सेंट्रल यूनियन के निमंत्रण पर आप सब लोगों ने इकट्ठा होकर इतना दूर आया और इतना तकलीफ उठा रहे हैं, इसका ईश्वर भगवान ये बराबर आपको इसका फलिता देगा, नतीजा देगा और इसका फायदा होगा। हम मजदूर तहरीक का जो हमारी जो युद्ध है, जो जद्दोजहद है, जो स्ट्रगल है, वो हम आगे ले जाएंगे और सक्सेस बनाएंगे। इन्हीं बातों के साथ आप सबका धन्यवाद करता हूँ।